लास्ट मिनट वायर टू स्टार्ट ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो उसका एक पॉइंट बाकी था, 7 पॉइंट ऑब्जर्वेशन हुए थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। ये आखिरी वाला पॉइंट देखो, ये दो, ये कॉर्स विंडो, इमिटर प्लेट, कलेक्टर प्लेट, लाइट इंसिडेंट ऑन प्लेट, इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम प्लेट नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड फिनोमेना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो 7 नंबर के पॉइंट हुए थे, पोटेंशियल का पॉइंट बताया था। देखो लास्ट पीरियड में मैंने तुमको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बताई थी, जो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक जाते हैं, ठीक है ना, यहां से जो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, हर एक की एनर्जी अलग अलग गई थी, हर एक की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग गई थी। तो दिस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल। ये जो अपन यहां पे पोटेंशियल लगा हुए इसके ऊपर डिपेंड है। यहां पे अपन पॉजिटिव पोटेंशियल लगा है, बैटरी लगा हुआ है यहां पे, तो ये जो पोटेंशियल अपन बढ़ा हुए उसके ऊपर डिपेंड है। एंड पोटेंशियल ऑफ मेटल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ये जो लाइट है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इसके ऊपर ये काइनेटिक एनर्जी डिपेंड है। इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी, इसकी इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं है, बट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड्स ऑन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। काइनेटिक एनर्जी ही इंटेंसिटी और डिपेंड नहीं, समझ ना, इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। तो देखो दिस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। लेकिन ये जो फ्रीक्वेंसी है कौन सी, यानी ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, आफ्टर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, समझ में आया ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद में काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इसका अपन एक ग्राफ भी निकाल सकते। देखो एक्स एक्सिस के ऊपर फ्रीक्वेंसी लिया समझो, ये फ्रीक्वेंसी न्यू, ठीक है ना, और वाई एक्सिस के ऊपर लिया स्टॉपिंग पोटेंशियल और के मैक्स, ये के मैक्स है और स्टॉपिंग पोटेंशियल, बिकॉज तुमको मालूम है के मैक्स इजिकल टू क्या फॉर्मूला लिखा के दिया था, ई इंटू वी जीरो, ठीक है ना, लास्ट पीरियड में हुआ ये। तो देखो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन आफ्टर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखो समझो ये मेटल ही है, ये मेटल है इसका, तो ऐसा ये नीचे लिखे आओ यहां पे, ये जो ग्राफ है ये मेटल ही है समझो, ये फ्रीक्वेंसी जो है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू जो समझो 1 हर्ट्ज है, 2 हर्ट्ज है, 3 हर्ट्ज है, समझो 3 हर्ट्ज इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल। ये यहां से इलेक्ट्रॉन इमिशन चालू हो जाएगा और यहां से
मैक्सिमम के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. मैक्सिमम के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. और ये जो एनर्जी है 5 जीरो यहाँ पे लिखा है, ये थ्रेशोल्ड, इसको बोलते वर्क ऑफ फंक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन बोलते, समझ में ना, इसको वर्क फंक्शन बोलते 5 जीरो. जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस के बाहर निकलने के लिए लगती है, इसके बाद में मैं डिफिनेशन लिख के देने वाला हूँ. यानी ये जो मेटल सरफेस है, इमीटर, कलेक्टर, ये जो क्वार्ट्ज विंडो, ठीक है ना, यहाँ लाइट इंसिडेंट होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट होगा, इलेक्ट्रॉन को ये मेटल सरफेस के बाहर निकलने के लिए जो एनर्जी लगती, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप फ्रॉम मेटल सरफेस, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड एज ए वर्क फंक्शन, इसको वर्क फंक्शन बोलते. अभी डिफिनेशन लिखना नहीं, अभी समझ लो. ये समझो मेटल ये है, अगर तुमको मेटल बी के लिए भी ग्राफ निकाल, समझे दूसरा मेटल है ये, मेटल बी, ये जो है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो डैश, इट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये 5 जीरो डैश. यानी वर्क फंक्शन अलग अलग लगेगा दोनों मेटल के लिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग है तो वर्क फंक्शन भी अलग लगेगा. तो दिस इज द लास्ट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो ये अपना भी आर्टिकल कंप्लीट हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है ना. ये ग्राफ निकाल लो, वाई एक्सिस के ऊपर स्टॉपिंग पोटेंशियल और स्टॉपिंग पोटेंशियल और के मैक्स भी ले सकते अपन. ये दो मेटल के लिए ग्राफ है, मेटल ये यानी फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक के मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ये मेटल ये, ये मेटल बी, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है दोनों. तो ठीक है, ये फोटो इलेक्ट्रिक का आर्टिकल अपना कंप्लीट हो गया. तो आज अपन चालू करेंगे आइंस्टाइन पोस्टुलेट, अभी न्यू आर्टिकल चालू करेंगे अपन आइंस्टाइन पोस्टुलेट्स ऑफ आइंस्टाइन पोस्टुलेट ऑफ क्वांटिटाइजेशन ऑफ एनर्जी एंड फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये आर्टिकल अब आज चालू करेंगे अपन, इसके ऑब्जर्वेशन देखेंगे. ठीक है, आइंस्टाइन पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटिटाइजेशन ऑफ एनर्जी एंड फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. देखो आइंस्टाइन ने क्या किया कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो है ये निकाला है, प्रूव डिराइव किया, उसके लिए उसने प्लैंक क्वांटम थ्योरी यूज किया. ठीक है, अब प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या है, ये जो लाइट है जो अपन ये विंडो से पास कर रहे हैं, ये जो लाइट इंसिडेंट कर रहे अपन, ये इमिटर प्लेट, दिस लाइट इज कंसिस्ट ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी और बंडल्स ऑफ एनर्जी नोन एज ए क्वांटा. ये प्लैंक क्वांटम थ्योरी, म्हणजे आइंस्टाइन ने जो इक्वेशन निकाला है, फोटो इक्वेशन डिराइव किया है, वो प्लैंक क्वांटम थ्योरी के ऊपर डिराइव किया है. उसका क्या बोलना है कि ये जो लाइट है, रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के पैकेट है, उसका नाम है क्वांटा ऑफ प्रोटॉन. हर एक प्रोटॉन के पास एनर्जी इज इक्वल टू एच एन न्यू, इतनी एनर्जी है. सो एच एन प्लैंक कॉन्स्टेंट, न्यू यानी फ्रीक्वेंसी. तो लाइट कंसिस्ट ऑफ, रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी नोन एज ए क्वांटा. ये प्लैंक क्वांटम थ्योरी आइंस्टाइन, आइंस्टाइन डिराइव फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक्स
क्वांटम थ्योरी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी. आइंस्टाइन अज्यूम दैट लाइट कंसिस्ट ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी. उसने क्या कंसीडर, बंडल्स ऑफ एनर्जी और पैकेट्स ऑफ एनर्जी नोन एज ठीक है. ये नया आर्टिकल अपन ने चालू किया है. तो आइंस्टाइन ड्यू आउट फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक क्वांटम थ्योरी. लाइट कंसिस्ट ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी नोन एज क्वांटा, नोन एज क्वांटा, उसको क्वांटा बोलते, नोन एज क्वांटा और फोटोन. सुन रहे ना, द एनर्जी ऑफ फोटोन, द एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय, एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय ई इज इक्वल टू एच एन यू. ये फॉर्मूला लर्न करो, प्रॉब्लम के लिए काम का फॉर्मूला है. एनर्जी ऑफ हर एक प्रोटॉन के पास इतनी एनर्जी होती है, ई इज इक्वल टू एच एन यू. ऐसे प्लैंक क्वांटम थी वो थे, उसने आइंस्टाइन यूज किए. एच को बोलते प्लैंक कॉन्स्टेंट, एच क्या है उसको बोलते प्लैंक्स कॉन्स्टेंट. उसकी वैल्यू रहती 6.62 × 10⁻³⁴ जूल सेकंड इज द एसआई यूनिट ऑफ प्लैंक कॉन्स्टेंट. सुन में, और ये जो न्यू है, न्यू यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, न्यू यानी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन. जो लाइट है इसको प्लैंक क्वांटम थ्योरी बोलते हैं. लाइट और रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ क्वांटा और प्रोटॉन. आइंस्टाइन ने नाम दिया प्रोटॉन, नेम एज ए प्रोटॉन. हर एक प्रोटॉन के पास इतनी एनर्जी होती है. दिस रिलेशन होल्ड्स गुड फॉर एंटायर इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. लिख लो ये, एंटायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. तो ये हो गई क्वांटम, ई इज इक्वल टू एच एन यू, एनर्जी ऑफ प्रोटॉन ठीक है. अब उसने पॉचुलेट क्या क्या यूज किया, ऑब्जर्वेशन क्या क्या निकाल लिया वो देखना है, और आइंस्टाइन इक्वेशन कैसे बना लिया ठीक है. चलो अब पहला ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन पहला देखो. पहला क्या है, जैसे अभी ये क्वार्ट्ज विंडो, ग्लास ट्यूब, इमिटर प्लेट, ये कलेक्टर प्लेट. तो आइंस्टीन ने क्या अज्यूम किया, ये जो लाइट है, देखो तुमको एग्जाम में आ सकता फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन फोटो इक्वेशन. तो आइंस्टाइन फोटो इक्वेशन के लिए दो पॉइंट जो मैं ऑब्जर्वेशन लिखा के दूंगा, वो दो पॉइंट लिखना है तुमको. तो देखो ये लाइट है, तो क्या है ये लाइट के अंदर क्या है, प्रोटॉन, और ये मेटल है. जैसे बताया था अल्कली मेटल होगा, ये विजिबल लाइट होगा तो अल्कली मेटल होना, अल्ट्रावायलेट लाइट होगा तो जिंक होना, कैडमियम मैग्नीशियम, ये मेटल है. मेटल के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन आते हैं. जब ये लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होता तो देयर इज अ कोलिजन बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, कोलिजन होता, कोलाइड, प्रोटॉन कोलाइड ऑन इलेक्ट्रॉन इन द मेटल.
उसके अंदर क्या होता है कि ये जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन के पास एनर्जी कितनी है, E=hν, ये पूरी एनर्जी एब्सॉर्ब कर लेता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के पास कुछ भी एनर्जी नहीं रहती। यानी ये जो लाइट है, लाइट इंसिडेंट होता है, इसका मतलब क्या है, प्रोटॉन इंसिडेंट ऑन मेटल, और ये यहां पे पूरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के एब्सॉर्ब कर लेता है। इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी आ गई, hν, इतनी एनर्जी आ गई इलेक्ट्रॉन के पास hν। उसमें से कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के लिए यूज करता है, टू एस्केप फ्रॉम मेटल सरफेस, उसको बोलते वर्क फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। समझ में आना चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आ गई hν, ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन दो टाइप में यूज करता है, इट इज यूज इन टू वेज। समझ लो पहले, ये भाई लाइट है, इसके अंदर प्रोटॉन है, जब इसके ऊपर इंसिडेंट होगा, इच्छा इंसिडेंट हुई त्यावेळेस इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की पूर्ण एनर्जी एब्सॉर्ब करते, ते म्हणजे इलेक्ट्रॉन पाशी किती एनर्जी आली hν, ते इलेक्ट्रॉन ती एनर्जी दोन प्रकारे वापरतो, इट इज यूज बाय इलेक्ट्रॉन इन टू वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज यूज टू एस्केप फ्रॉम मेटल सरफेस, यानी कुछ एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के लिए यूज होती है, यानी 5 जीओ, और रिमेनिंग एनर्जी एज ए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी KEmax, यानी यहां से यहां तक जाने के लिए कलेक्टर तक, यानी इवन दो तो कलेक्टर पे पॉजिटिव पोटेंशियल होगा तो भी यहां से यहां तक जाने के लिए, क्योंकि यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल हुए हर एक की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग हुई थी, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी यूज बाय इलेक्ट्रॉन एज ए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी KEmax। Therefore, KEmax is equal to hν minus 5gO. This is known as a Einstein photoelectric equation. इसको Einstein photo equation बोलते हैं। ये जो Einstein photo equation तैयार किया है, ये Einstein ने Planck quantum theory use करके किया है। समझ में आया ना? तो देखो, आप थोड़ा सा notes लिख लो। When proton, पहला पॉइंट, व्हेन प्रोटॉन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इंसिडेंट ऑन मेटल एंड कोलाइड विद इलेक्ट्रॉन, किसके साथ कोलाइड होगा, वो इंसिडेंट होने के बाद में इलेक्ट्रॉन के साथ में कोलाइड होगा, देन ऑल एनर्जी एब्सॉर्ब बाय इलेक्ट्रॉन, देन ऑल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, कितनी एनर्जी, E=hν एब्सॉर्ब बाय इलेक्ट्रॉन, पूरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब करतो, देयरफॉर hν एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी आ गई, hν एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन, इफ 5 जो बी वर्क फंक्शन, 5 जो वर्क फंक्शन है, लेट 5 जो बी वर्क फंक्शन, 5 जो को बोलना है वर्क फंक्शन। अब इसकी डिफिनेशन लिखना वर्क फंक्शन की, यहां तक समझ में आ गया है, यानी लाइट के अंदर अल्ट्रावायलेट लाइट अगर अपन ने मेटल के ऊपर इंसिडेंट किया, तो जो लाइट के अंदर अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर रेडिएशन के अंदर जो प्रोटॉन है वो कोलाइड होंगी इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन पूरी एनर्जी एब्सॉर्ब करेंगे प्रोटॉन की, प्रोटॉन के पास एनर्जी कितनी है, hν, तो hν एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन, तो उसमें से अभी एनर्जी, कुछ एनर्जी वो बाहर निकलने के लिए यूज करेंगे, दैट इज नोन एज ए वर्क फंक्शन। समझ में है ना, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन,
to escape from metal surface. मेटल सरफेसच्या बाहेर पडण्याकरिता जी एनर्जी लागते इलेक्ट्रॉनला त्याला म्हणतात वर्क फंक्शन, इज कॉल्ड एज ए वर्क फंक्शन, त्याला वर्क फंक्शन म्हणतात. लंकन आय डेफिनेशन इज एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड एज ए वर्क फंक्शन, इसको वर्क फंक्शन बोलते हैं. समझ में आया ना. इफ एच एन यू इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू फाइव जो जो एनर्जी है वो इससे ज्यादा होना चाहिए देन इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम मेटल सरफेस. इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम मेटल सरफेस, वो मेटल सरफेस से इमिट होंगे, आर इमिटेड फ्रॉम मेटल सरफेस. ठीक है. अब देखो ये मेटल वर्क फंक्शन की होगी डिफिनेशन. डिफिनेशन पार्ट झाली ना. पहा महत्वाची डिफिनेशन है कि जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मेटल से बाहर निकलने के लिए लगती उसको बोलते वर्क फंक्शन. इसको क्या बोलते वर्क फंक्शन. देखो ये वर्क फंक्शन का फॉर्मूला भी है. फाइव जीओ इज इक्वल टू एच न्यू जीओ. समझ में ना. देखो न्यू जीओ इज इक्वल टू फाइव जीओ अपॉन एच. अब ये फॉर्मूला कैसे आ गए इसके बाद में मैं बताता तुमको सेकंड पॉइंट में. अभी का लिख लो तुम. न्यू जीओ क्या है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. इफ न्यू लेस देन न्यू जीओ क्या होगा फिर. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कम है. नो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम मेटल सरफेस. नो इलेक्ट्रॉन क्योंकि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा होना चाहिए तो ही इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे तो नहीं तो नहीं. इफ न्यू ग्रेटर देन न्यू जीओ इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड. इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड. इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा होना चाहिए तो ये पहला नंबर का ऑब्जर्वेशन होगा आइंस्टाइन का. अभी दूसरे नंबर का ही द एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन गेन बाय इलेक्ट्रॉन आर यूज इन टू वेज. पा ये बताया तुमको जैसे लाइट के अंदर प्रोटॉन है. प्रोटॉन इंसिडेंट हो गए मेटल के ऊपर दे कोलाइड ऑन इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ले लिया प्रोटॉन की एच एन यू. अब इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आ गई है तो उसमें से कुछ पार्ट वो बाहर निकल लिए यूज करेगा और रिमेनिंग पार्ट वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बोल के यूज करेगा कलेक्टर तक जाने के लिए. ठीक है ना. एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन आर यूज इन टू वेज. वन पार्ट ऑफ एनर्जी यूज बाय इलेक्ट्रॉन यूज बाय इलेक्ट्रॉन पार्ट ऑफ एनर्जी यूज बाय इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम मेटल सरफेस. टू एस्केप फ्रॉम मेटल सरफेस. और सेकंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी यूज बाय इलेक्ट्रॉन. रिमेनिंग पार्ट यूज बाय एनर्जी एज ए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. एज ए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बोल के यूज करने वाला है. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी म्हणजे इलेक्ट्रॉन पाशी एनर्जी एचएनयू आली ती एनर्जी इलेक्ट्रॉन दोन प्रकार वापरली एक बाहेर पडण्याकरिता आणि शिल्लक आलेली कायनेटिक एनर्जी म्हणून तो वापरतो. समजलं ना.
म्हणजे काय झालं मग इलेक्ट्रॉन म्हणजे एनर्जी किती होती HNU त्याने दोन प्रकार वापरले कशासाठी बाहेर पडण्याकरिता टू एस्केप फ्रॉम मेटल सरफेस दॅट इज नोन एज अ वर्क फंक्शन अँड रिमेनिंग पार्ट एज अ मॅक्झिमम कायनेटिक एनर्जी HNU इज इक्वल टू के ई मॅक्स प्लस 5 देअरफोर के ई मॅक्स इज इक्वल टू HNU मायनस 5 इट इज नोन एज अ आइन्स्टाईन इक्वेशन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के ई मॅक्स डिपेंड्स ऑन फ्रिक्वेन्सी HNU वर डिपेंड आहे फ्रिक्वेन्सी अँड मटेरियल ऑफ इमिटर जे आपण जे प्लेट वापरणार इमिटर प्लेट तिच्यावर डिपेंड आहे तो के ई मॅक्स डिपेंड्स अपॉन फ्रिक्वेन्सी अँड मटेरियल ऑफ इमिटर के ई मॅक्स याच्या इसके अंदर इंटेन्सिटी नाही आहे देअरफोर के ई मॅक्स डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेन्सिटीवर डिपेंड नाही इंटेन्सिटी ऑफ इन्सिडंट रेडिएशन तो देखो ये इसको बोलते आइन्स्टाईन इक्वेशन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन नाउ समजा आपण न्यू इज इक्वल टू न्यू ज्यूल लिया इन्सिडंट फ्रिक्वेन्सी और थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी सेम लिया देन के मैक्स इज इक्वल टू 0 इलेक्ट्रॉन इमिट होगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी उसकी 0 रहेंगी तो क्या होगा इससे क्या बन जाएगा 0 इज इक्वल टू इक्वेशन 1 के मैक्स की कीमत यस न्यू की कीमत न्यू 0 माइनस 5 देखो 5 इज इक्वल टू एच न्यू 0 अभी फॉर्मूला दिखाता हूं ये वर्क फंक्शन का फॉर्मूला है काय का फॉर्मूला ये वर्क फंक्शन समझ में आया ना देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स अब ये इक्वेशन 1 में डाल दो क्या आएगा इक्वेशन 1 के ई मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस 5 5 की वैल्यू एच न्यू न्यू 0 देयरफॉर के ई मैक्स इज इक्वल टू एच कॉमन काढा न्यू माइनस न्यू 0 इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 ला सुद्धा म्हणतात आइन्स्टाईन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन म्हणजे इक्वेशन 1 अँड टू नोन एज आइन्स्टाईन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इक्वेशन आणि इक्वेशन 2 सुद्धा म्हणतात आइन्स्टाईन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन अब देखो ऊपर के मार्जिन में लिख लो तुम अगर तुमको क्वेश्चन ऐसा आ गया डीओ आइन्स्टाईन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन डीओ तो ये एक नंबर का दो नंबर का पॉइंट जो मैंने लिखा के दिया है वो लिखना है तुमको डीओ जो ऑब्जर्वेशन का अभी देखो उसके 6-7 ऑब्जर्वेशन आइन्स्टाईन के ये फोटो इलेक्ट्रिक के ऊपर दो ऑब्जर्वेशन मैंने पढ़ा दिए अगर तुमको बोर्ड में क्वेश्चन आ गया डीओ आइन्स्टाईन फोटो इक्वेशन तो अभी जो मैंने लिखा के दिया है एक नंबर का पॉइंट और दो नंबर का पॉइंट वो तुमको एग्जाम में लिखना है आइन्स्टाईन इक्वेशन डीओ आइन्स्टाईन इक्वेशन समझ में आया ना ऊपर लगे तो ऊपर के मार्जिन में लिख लो तुम क्वेश्चन डीओ आइन्स्टाईन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन तो उसका आंसर क्या लिखना है तुमको जो मैंने एक नंबर का और दो नंबर का पॉइंट लिखा के दिया है समझ में आया ना ये डीओ ऑब्जर्वेशन का वो लिखना है तो ये जो है ये प्रॉब्लम के लिए काम का है आइन्स्टाईन इक्वेशन